हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कपिल एजुकेशन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे समग्र शिक्षा चंडीगढ़ में जो न्यू रिक्रूटमेंट आई है टीजीटी टीचर के लिए, ट्रेनिंग ग्रेजुएट टीचर की, उसके फॉर्म फिलिंग प्रोसेस के बारे में बात फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आगे चलने से पहले अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले चलते हैं नोटिफिकेशन, जो कि आपको समग्र शिक्षा की आप ऑफिशियल वेबसाइट खोलेंगे, वहाँ पे एडवर्टाइजमेंट आप क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा समग्र शिक्षा चंडीगढ़, आपको एड्रेस यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, आपकी जो टीजीटी टीचर्स के लिए अंडर समग्र शिक्षा चंडीगढ़ के अंदर में आपकी एडवर्टाइजमेंट डेट और नोटिस डेट यहाँ पे दी गई है। इसके लिए आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन ही एक्सेप्ट किए जाएंगे फ्रेंड्स, अदर कोई मोड से आप यहाँ पे पेमेंट नहीं कर सकते। फॉर्म फिलिंग प्रोसेस आपकी 12/9/2022 से लास्ट डेट की बात करेंगे फ्रेंड्स, 3/10/2022 तक आप अप्लाई कर सकते हैं, 3 अक्टूबर तक आप अप्लाई कर सकते हैं 5 बजे तक फ्रेंड्स। फॉर्म अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पे लिंक दिया गया है, इस वाले लिंक पर आप ओपन क्लिक करेंगे, आपकी विंडो ओपन हो जाएगी। बाकी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नोटिफिकेशन और ऑनलाइन डायरेक्ट लिंक भी आपको देखने को मिलेगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको ऑनलाइन 90 पोस्ट है जो कि टीजीटी टीचर्स के लिए कॉन्ट्रैक्ट बेस पे रहने वाली है। इसमें आपका जो वेतन रहेगा फिक्स 35,400 पर मंथ आपका रहने वाला है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे आपको सब्जेक्ट वाइज वैकेंसी और कैटेगरी वाइज ब्रेकअप यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। वैकेंसीज में टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करेंगे, नंबर वैकेंसी है अलग अलग, इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी, मैथ, सोशल साइंस, नॉन मेडिकल साइंस आपको यहाँ देखने को मिलेगी और सोशल स्टडीज आपको यहाँ देखने को मिलेगा फ्रेंड्स। क्वालिफिकेशन की बात करेंगे फ्रेंड्स, इसमें जो आपकी क्वालिफिकेशन लास्ट डेट तक कंप्लीट होनी चाहिए, आपका ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए, जिस भी सब्जेक्ट से आप फॉर्म फिल कर रहे हैं, जिस भी सब्जेक्ट से आप टीचिंग आपका सब्जेक्ट है, उसमें 50% मार्क के साथ डिग्री ऑफ बैचलर आपके पास होना चाहिए 50% मार्क के साथ, और फ्री सेट आपका पास होना चाहिए फ्रेंड्स सेकेंड पेपर। और फ्रेंड्स, दूसरा आपके 4 ईयर का इंटीग्रेटेड बीए बीएड है होना चाहिए, फ्री टेट आपके पास होना चाहिए, मिनिमम 50% मार्क आपके पास होने चाहिए फ्रेंड्स। सब्जेक्ट आपके यहाँ पे दिए गए हैं, रिलेवेंट रिलेटिव सब्जेक्ट सारे यहाँ पे दिए गए हैं, सिलेक्शन क्राइटेरिया आपका यहाँ पे दिया गया है, आपका एग्जाम होगा रिटर्न एग्जाम जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा, फिर 150 मार्क का आपका रहने वाला है पार्ट और ए पार्ट बी आपका रहेगा, जो कि यहाँ 150 क्वेश्चन का, 150 मार्क का, 50 मिनट का आपका सिंगल शिफ्ट है और 100 मिनट का आपका बी शिफ्ट में आपका रहने वाला है फ्रेंड्स। 100 क्वेश्चन आपके 100 मिनट का बी में रहने वाला है। क्वेश्चंस की डिटेल्स यहाँ पे आपको दी गई है, जो कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप नोटिफिकेशन में जाके देख सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस भी आपको यहाँ पे दिया गया है। एज की बात करेंगे, 21 साल से 37 साल यहाँ पे रखा गया है, जो कि 1/1/2022 तक से आपका काउंट होने वाला है। बाकी एस पर गवर्नमेंट रूल रिलेक्शन एससी ओबीसी कैंडिडेट्स को यहाँ पे मिलने वाले हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, एप्लीकेशन की बात करते हैं, कैसे फिल करना है उसके बारे में चलते हैं। आपको इस वाले लिंक को क्लिक करना होगा, जैसे आप ये वाला लिंक ओपन करेंगे, यहाँ पे आपको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको आपकी विंडो ओपन हो जाएगी, इस पे जैसे आप क्लिक करेंगे, न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पे आपको क्लिक करना होगा। जैसे न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे डिक्लेरेशन को आप पढ़ लेंगे, पढ़ने के बाद आपको यहाँ पे आई हैव रीड डिटेल्स कर लिया है, उसके बाद आप क्लिक टू प्रोसेस पे आपको क्लिक करना होगा। उसके बाद जिस पद से आप फॉर्म फिल कर रहे हैं, आपको सेलेक्ट करेंगे अपना सब्जेक्ट, यहाँ पे आपको अपना नाम देना होगा, फुल नेम देंगे, फुल नेम देने के बाद आपको यहाँ पे अपना मेल आईडी फिल करना होगा फ्रेंड्स, मेल आईडी फिल करेंगे, उसके बाद आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर और जो आप पासवर्ड बनाना चाहते हैं वो पासवर्ड आपको यहाँ पे फिल करना होगा, जो भी आप पासवर्ड रखना चाहते हैं वो पासवर्ड यहाँ पे फिल करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे कैप्चर कोड जो दिया गया है ये वाला आपको फिल करना होगा, समझ नहीं आ रहा है तो आपको यहाँ से रिफ्रेश भी, इसको रिफ्रेश ऐसे करके रिफ्रेश भी कर सकते हैं फ्रेंड्स। जो पासवर्ड यहाँ पे आपको दिया गया है इस पासवर्ड को आप यहाँ पे फिल करेंगे और रजिस्टर पे आपको क्लिक करना, इस पे यहाँ पे
एग्री करना होगा, रजिस्टर पे आपको क्लिक कर देना होगा फ्रेंड। फ्रेंड जैसे आप रजिस्टर पे क्लिक करेंगे आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो जाएगा। लॉगिन आईडी, यूजर नेम और पासवर्ड जो आपने बनाया था वो रहने वाला है। यूजर नेम आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पे मैसेज सेंड कर दिया जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे यूजर नेम डालना होगा जो आपके मैसेज में आया हुआ, ईमेल पे आया हुआ, पासवर्ड जो हमने लगाया था वो पासवर्ड फिल करेंगे। और यहाँ पे आई एम रोबोट पे आपको क्लिक कर, आई एम नॉट ए रोबोट पे क्लिक करें। जैसे ही आपका लॉगिन होगा, इंट्रोडक्शन एंड रजिस्ट्रेशन आपको यहाँ पे आपका ये ओपन हो जाएगा। आपको रजिस्ट्रेशन पे आपको क्लिक करना होगा और बेसिक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको फिल करनी होगी, रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना होगा। तो फिर जैसे ही आप बेसिक इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा साइड में, आपको यहाँ एक अपना फोटो अपलोड करना होगा जो कि जेपीजी फाइल होना चाहिए और 30 से 100 KB के बीच में होना चाहिए। यहाँ पे आपको अपना सिग्नेचर अपलोड करना होगा जो कि 30 से 100 KB के बीच में आपका होना चाहिए फ्रेंड। सिग्नेचर का साइज 30 से 100 KB के बीच में आपका होना चाहिए फ्रेंड, वो आप यहाँ पे अपलोड कर देंगे। अपलोड करने के बाद आपको यहाँ पे अपना फादर नेम फिल करना होगा। अपना फादर नेम फिल करेंगे, फादर नेम फिल करने के बाद आपको अपनी माता जी का नाम फिल करना होगा। आप मैरिड है तो आपको यहाँ पे स्पाउस नेम फिल करना होगा। यहाँ पे आपको अपनी नेशनलिटी में आपको अपनी नेशनलिटी आप फिल करेंगे, इंडियन आपको यहाँ पे फिल करना होगा। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ DOB फिल करेंगे फ्रेंड्स। ईयर फिल करेंगे, यहाँ पे आपको अपना मंथ फिल करना होगा, यहाँ पे आपको डे फिल करना होगा। यहाँ पे आपको अपना मैरिटल स्टेटस फिल करेंगे, मैरिड है अनमैरिड, यहाँ पे जेंडर फिल करेंगे, फीमेल मेल जो भी आपका जेंडर है। यहाँ पे फ्रेंड्स आपको अपना आधार कार्ड फिल करना होगा जो कि ऑप्शनल यहाँ पे रहने वाला है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना फुल एड्रेस फिल करना होता है, एड्रेस को एड्रेस यहाँ पे फिल करेंगे। यहाँ पे आपको अपना सिटी फिल करना होगा, यहाँ पे पिन कोड फिल करेंगे, आप अपना स्टेट सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट फिल कर देंगे फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स यदि आपका प्रेजेंट और कोरेस्पोंडम एड्रेस सेम है तो आपको सेम एस पे यहाँ पे टिक करना होगा इस बॉक्स। तो फ्रेंड्स उसके बाद आपका ये आता है कि शायद आपसे पूछा जाता है आपकी कैटेगरी, आप अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे, आप फिजिकली हैंडीकैप हैं, आपको यस या नो में देना होगा। उसके बाद यहाँ पे आपको एक्स सर्विसमैन आप हैं तो आपको यहाँ यस या नो में जवाब देना होगा फ्रेंड्स। फिजिकली हैंडीकैप है फ्रेंड्स तो यहाँ पे यस या करेंगे, नहीं है तो नो करना होगा। एक्स सर्विसमैन है तो यहाँ आपको यस या नो में देना होगा। एज रिलेक्शन से रिलेटेड आप चाहते हैं तो आप यहाँ पे यस या नो देंगे। यहाँ पे पूछा गया जो एडवर्टाइजमेंट में दी गई है एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपके पास है तो आपको यस करना होगा तो ही आप फॉर्म फिल कर पाएंगे। और आपके पास एक्सपीरियंस है जो आप दिया गया है एडवर्टाइजमेंट तो आप यहाँ यस या नो में देंगे। यहाँ पे आपसे पूछा गया जो आप एप्लीकेशन कर रहे हैं प्रॉपर चैनल से तो आप यहाँ पे यस पे क्लिक कर देंगे। आपको यदि आपको कंप्यूटर की नॉलेज है फ्रेंड्स तो आप यहाँ पे यस करेंगे, नहीं है तो आप यहाँ पे नो भी कर सकते हैं। यहाँ पे फ्रेंड्स आपसे जो आपका एग्जाम क्वेश्चन पेपर आएगा उसकी लैंग्वेज पूछी गई है, आप पंजाबी मीडियम ऑफ लैंग्वेज क्या चाहते हैं, हिंदी या पंजाबी, जो लैंग्वेज आप चाहते हैं वो आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपने कभी समग्र शिक्षा में कभी पहले TGT और कोई पद पे तो अप्लाई नहीं किया है नोटिफिकेशन में तो आपको यहाँ पे यस या नो में देना होगा फ्रेंड्स। तो फिर उसके बाद आप यहाँ पे सेव करेंगे, जैसे आप सेव पे क्लिक करेंगे फ्रेंड्स यहाँ पे एसेंशियल आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन फिल करनी होगी। उसके बाद आपको यहाँ पे अपने डिटेल्स चूज करेंगे, यहाँ पे आपको अपना डिटेल आपके पास क्या है डिग्री, आप अपनी डिग्री चूज करेंगे और यहाँ पे आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना होगा। अपनी डिग्री यहाँ पे आप डालेंगे, आपके पास क्या है UG है या PG है डालेंगे, क्वालिफिकेशन क्लास नेम आपको डालना होगा, आप जो भी है बैचलर आर्ट्स है सब्जेक्ट आपका डालना होगा, क्या सब्जेक्ट है आपके पास, अपना सब्जेक्ट डालेंगे, ओबिडेंट मार्क आपने कितने मार्क गेन किए थे आप यहाँ पे वो डालेंगे, नंबर टोटल नंबर ऑफ मार्क क्या थे आपको वो फिल करना होगा। उसके बाद परसेंटेज आपका ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा फ्रेंड्स। आपको बोर्ड यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा, यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान था मेरा तो मैं वो सेलेक्ट करूंगा, आप अपना यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, पासिंग ईयर देंगे, मोड ऑफ डिग्री का आप देंगे रेगुलर था या डिस्टेंस था। उसके बाद आप यहाँ पे सेव कर देंगे फ्रेंड्स। सेव करने के बाद आपको यहाँ पे अपना टेंथ की आप डिटेल दे, टेंथ की डिटेल देंगे, यहाँ पे क्लास क्वालिफिकेशन आप लिख देंगे, टेंथ लिख देंगे, नेम ऑफ द क्वालिफिकेशन, सब्जेक्ट तो ओनली होते हैं टेंथ में तो ऑल सब्जेक्ट आप लिख देंगे। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आपके ओबिडेंट मार्क क्या थे, आपने कितने मार्क गेन किए थे टेंथ के अंदर वो आपको लिखने होंगे, और टोटल नंबर ऑफ मार्क क्या, मैक्सिमम मार्क क्या थे, यहाँ पे आपकी परसेंटेज, यहाँ पे आपको अपना बोर्ड लिखना होगा फ्रेंड्स। बोर्ड लिखने के बाद आपको यहाँ आपने कब पास किया था टेंथ वो लिखना होगा। उसके बाद यहाँ पे आपको मोड ऑफ
रेगुलर था या डिस्टेंस था सेलेक्ट करेंगे और सेव पे क्लिक कर देंगे फ्रेंड्स। फ्रेंड्स ये तो मैं आपको वैसे बता रहा हूँ कि आप यहाँ पे फॉर्म करेंगे डिटेल्स को तो यहाँ पे तरीके से आपको फिल करना होगा 10th 12th का, पहले 10th फिर 12th फिर ग्रेजुएशन डिग्री आप यहाँ पे फिल करेंगे। 12th का आप यहाँ पे 12th डालेंगे, अपने 12th का डालेंगे, 12th डालने के बाद आपके पास क्या सब्जेक्ट थे, सब्जेक्ट डालेंगे, ओबिडेंट मार्क क्या थे आपको यहाँ फिल करना होगा, मैक्सिमम मार्क क्या थे फिल करेंगे, बोर्ड क्या था आप अपना बोर्ड यहाँ पे फिल करेंगे फ्रेंड्स। उसके बाद आपने कब पास किया, पासिंग ईयर आपको फिल करना होगा, और पासिंग ईयर फिल करने के बाद आप यहाँ पे मोड ऑफ डिग्री का सिलेक्ट करेंगे और सेव पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही सेव पे क्लिक करेंगे आपकी डिटेल्स यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएंगी 10th 12th और बीए की। उसके बाद आपको फ्रेंड्स यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करना होगा। जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे आपको, यदि आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पे डिटेल फिल करेंगे, नहीं है तो आप नो एक्सपीरियंस पे आप क्लिक कर देंगे और सबमिट पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद या एक्सपीरियंस डिटेल्स आपसे यहाँ पे मांगता है फ्रेंड्स, यहाँ डिक्लेरेशन आपको फिल करनी होती है, हमने नो एक्सपीरियंस वहाँ पे डाल दिया था तो यहाँ पे एन आ गया, डिटेल्स डिटेल अपडेट हो गई है, तो आप भी वैसे भी अपडेट कर सकते हैं, है तो नहीं तो आप यहाँ पे खाली छोड़ सकते हैं। उसके बाद आपसे पूछा गया है आपके पास सी टेट जो पेपर था, यस आप यहाँ पे यस करेंगे, और रोल नंबर आपका सी टेट का रोल नंबर क्या था आपको यहाँ पे रोल नंबर देना होगा। उसके बाद आपको सर्विंग, आप स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट में जॉब करते हैं तो आपको यस या नो में देंगे, करते हैं तो यस करेंगे, नहीं तो आपको यहाँ पे नो पे क्लिक करना होगा। डिक्लेरेशन पे आपको मार्क टिक करना होगा फ्रेंड्स। उसके बाद आपको सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक करना होगा। जैसे सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे आपका यहाँ पे ये डिटेल्स आपको देखने को मिलेंगी, सारी डिटेल्स यहाँ पे आ जाएंगी, कंप्लीट हो गई हैं डिक्लेरेशन तक। उसके बाद आपको यहाँ पे आता है पेमेंट का ऑप्शन, क्लिक टू रजिस्ट्रेशन फीस पे आपको क्लिक करना होगा। यहाँ पे आपको एप्लीकेशन फीस, मोबाइल नंबर डिटेल्स देखने को मिलेगी, यहाँ पे आप अपना लास्ट नेम डाल सकते हैं, एड्रेस डालेंगे, सिटी कंट्री, और डालने के बाद आपको यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करना होगा। जैसे आप सबमिट पे क्लिक करेंगे आपका यहाँ पे ओपन हो जाएगा, आप क्रेडिट कार्ड के डेबिट कार्ड के थ्रू पेमेंट करना चाहते हैं, बैंक नेट बैंकिंग के थ्रू करना चाहते हैं, वो आप सेलेक्ट करेंगे और पे पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही आपका सबमिट हो जाएगा डिटेल फ्रेंड्स, अपने एप्लीकेशन का प्रिंट रखेंगे अपने पास रख लेंगे नेक्स्ट फ्यूचर रेफरेंस के लिए। और फ्रेंड्स थैंक यू फॉर वॉचिंग कपिल एजुकेशन, आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें फ्रेंड्स।